फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर फरज जहाँ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग एक प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझते हैं, वो है नियोनेटल जॉन्डिस, यानी कि न्यू बॉर्न बच्चे में जॉन्डिस होना या पीलिया होना। नॉर्मल जॉन्डिस से जो एडल्ट में कारण होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी में जॉन्डिस होने के अलग ही कारण होते हैं। उसका कारण होता है बच्चे का लीवर, क्योंकि ये एक ब्लूरुबिन नामक एक पिगमेंट होता है जो रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है। क्योंकि बच्चे का लीवर इतना मेच्योर नहीं होता, जो नॉर्मल लीवर है वो जो ये ब्लूरुबिन पिगमेंट है इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करके इसे यूरिन और फीसिस में इसे एक्सक्रीट कर देता है, ये बाहर हो जाता है। क्योंकि न्यूनेटल जो होता है, जो बच्चा होता है उसका जो लीवर इमेच्योर होता है, वो अभी जितने ये डिजेनरेशन हो रही होती है, पिगमेंटेशन बन रहे होते हैं, उतनी स्पीड से वो बाहर नहीं निकाल पाता है। तो इस वजह से ये ब्लूरुबिन जो पिगमेंट होता है ये स्किन में और आईज में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर येलो और आईज का कलर येलो होने लगता है। इसी को हम जॉन्डिस कहते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हैं और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कारण तो देखिए यही है कि जब ये बेबी का लीवर कमज़ोर है, बेबी का लीवर कमज़ोर कब हो सकता है? या तो उसको बच्चा प्रीमेच्योर हो, यानी कि अपने फुल टर्म 37 वीक्स से पहले हो गया हो, तो बीवी जो बेबी है उसका लीवर ज़्यादा उस प्रीमेच्योर होगा, लीवर भी कमज़ोर होगा और वो इतनी तेज़ी से ब्लूरुबिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। दूसरा, बेबी को फीडिंग कम हो रही हो तो उसका यूरिन और जो है वो एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, तो भी उसको ब्लूरुबिन इकट्ठा हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। और बाकी तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि ब्लड ग्रुप की इनकॉम्पेटेबिलिटी। एक तो जब मदर और बेबी दोनों का ब्लड ग्रुप जो है सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, मदर नेगेटिव हो और बच्चा पॉजिटिव हो, तो ऐसे बच्चे में जो मदर के एंटीजन आते हैं, एंटीबॉडीज़, वो बेबी की रेड ब्लड सेल्स को तेज़ी से किल करते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंट जो है ब्लूरुबिन ब्लड में बच्चे के बहुत तेज़ी से इकट्ठा होता है और तेज़ी से ब्लूरुबिन बढ़ता है, जो कि बच्चे के ब्रेन में भी डिपॉजिट हो सकता है, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी, इवन एनकेफेलोपैथी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन नहीं अराइज होने देनी है। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, जैसे ही बच्चे को आप जो है डे लाइट में अच्छे से सूरज की लाइट में एग्जामिन करें और देखें, हल्का सा दबा के देखें कि जो स्किन है वो येलोइश तो नहीं हो रही है। अगर वो स्किन येलोइश हो रही है तो आप अलर्ट हो जाएं। ज़्यादातर बच्चों में ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, यानी कि थर्ड डे के बाद अपीयर होता है, तो ये डेंजरस नहीं होता है। इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि बच्चे को धूप में डाल दें, जो सनलाइट होती है वो नेचुरल एक फोटोथेरेपी का काम करती है, जितना बेबी के स्किन को ये धूप पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, उतना इसके ब्लूरुबिन में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएंगे और बेबी का जो ब्लूरुबिन है वो सब जो है यूरिन में और फीसिस में एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो है थर्ड डे से पहले, फर्स्ट डे जिस दिन बेबी बॉर्न हुआ है, विद इन 24 आवर्स ही अपीयर हो जाता है, दिखाई देने लगता है जॉन्डिस बेबी के स्किन पे और आँखों में, तो ये बहुत डेंजरस है। तब आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास भागना है और ज़रूरत के हिसाब से इसको जितनी जल्दी हो जाए फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देनी है। और अगर ये RH इनकॉम्पेटेबिलिटी की वजह से है तो ब्लूरुबिन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमारा बेबी बिल्कुल स्वस्थ रहे, जॉन्डिस की वजह से बेबी में कोई परेशानी ना हो, हम क्या क्या किन बातों के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। एक तो अगर बाई चांस बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होता है तो हम विद इन 24 आवर, आफ्टर 48 आवर्स, तो विद इन 24 आवर्स से 48 आवर्स में उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर बच्चा सीजीरियन से हुआ आता है तो 4-5 दिन तो वो रहता है, तो हॉस्पिटल में बच्चे का एग्जामिनेशन कर देते हैं। तो फिर आपको घर पे ही ले जाके बच्चे को डेली डे लाइट में एग्जामिन करना है। अगर वो ज़्यादा पीला नज़र आ रहा है और या फिर स्लगिश है, उसकी आईज बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं और बहुत तेज़ी से ये जो येलोइशनेस जो है बेबी की अगर बढ़ रही है, तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास में भागना है। और नहीं तो अगर ये तीसरे दिन आई है
और डेली आप उसको सन एक्सपोजर करते रहें, लीवर सपोर्टिव देते रहें, और अगर ये ज़्यादा विद इन 10 to 15 days ये अपने आप डिसअपेयर हो जाएगी नॉर्मली तो. लेकिन अगर ये डिसअपेयर नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, और नॉर्मली नॉर्मल सन एक्सपोजर के बावजूद भी और आँखों में भी आ गई है, पूरे बॉडी में फैल रही है, तो आप तुरंत ब्लूरोबिन लेवल कराएं और पीडियाट्रिशियन की सलाह लें. अब क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है जॉन्डिस होने से? देखिए, इसको प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन किया जा सकता है. यानी कि अगर जल्दी से ये विद इन 24 आवर आ गई है, तो आप अलर्ट हो जाइए और डॉक्टर के पास ले जाइए, आपका ब्लड ग्रुप वगैरह चेकअप कराइए. एक मेन जो कारण होता है आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी, आरएच नेगेटिव पॉजिटिव में ज़्यादा डेंजरस हो सकती है. कभी कभी मदर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है, बेबी का ARB होता है, तब भी कई बार जो है जॉन्डिस तेजी से बढ़ता है, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं होता है. और कुछ आप पूछना चाहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय.